मुरादाबाद जनपद के मैनाठेर थाना इलाके में बीते कुछ दिनों पहले एक महिला की हत्या कर दी गई। पुलिस ने मामले की गंभीरता को देखते हुए मुकदमा दर्ज करते हुए आरोपियों की तलाश शुरू कर दी, जिसमें पुलिस के हाथ बड़ी सफलता आई है। पुलिस ने हत्या का अनावरण करते हुए चार आरोपियों को गिरफ्तार करके जेल भेजने का काम किया है। मुरादाबाद जनपद के मैनाठेर थाना इलाके में हुई हत्या का खुलासा एसएसपी मुरादाबाद द्वारा पुलिस लाइन में किया गया। एसएसपी मुरादाबाद बबलू कुमार द्वारा घटना का अनावरण करते हुए जानकारी देते हुए बताया गया कि लोगों ने प्लान करके हत्या को अंजाम दिया था। पुलिस ने इस मामले में चार आरोपियों को गिरफ्तार कर लिया, बाकी बचे हुए शेष आरोपियों को जल्द ही गिरफ्तार करके सलाखों के पीछे भेजना है। देखिए 20/21 की रात में थाना मैनाठेर के एक गांव में एक विवाहिता जिसकी शादी तकरीबन 9 साल पहले हुई थी, उसकी मृत्यु की सूचना प्राप्त हुई थी। मृत्यु होने के कारण पंचायतनामा और पोस्टमार्टम की कार्रवाई कराई गई और उसके उपरांत परिजनों के द्वारा दिए गए तहरीर के आधार पर मर्डर का मुकदमा दर्ज किया गया था। घटनास्थल का निरीक्षण हमारे सभी वरिष्ठ अधिकारियों के द्वारा करने के उपरांत उस घटना में सही अनावरण करना आवश्यक था, जिसके लिए एसपीआरए के नेतृत्व में सीओ बिलारी, एसएचओ मैनाठेर और उनकी पूरी टीम, सर्विलांस टीम, एसओजी को भी लगाया गया था। आज हमारी टीम को इस हत्या की घटना का सफलतापूर्वक अनावरण करने में सफलता प्राप्त हुई है और इस घटना में शामिल चार लोगों को गिरफ्तार करने में सफलता प्राप्त हुई है। अभियुक्त के द्वारा जो फोर व्हीलर गाड़ी परिवहन के लिए उपयोग किया गया था, उसको भी इनके निशानदेही पर बरामद कर लिया गया है। घटना मृतका के पति, सास, ससुर और पति के जिस महिला से संबंध बने थे, उन सभी लोगों ने मिलकर उनके साथियों के साथ कुल 7 लोगों ने इस घटना को कारित किया है। अभियुक्तों ने इस घटना को इकबाल करते हुए बताया कि मृतका का पति, जो कि पुलिस में कांस्टेबल है, जीआरपी में तैनात है, उसके पिछले 2.5 साल से अवैध संबंध बने थे एक महिला जो कि अभियुक्ता है, हापुड़ की रहने वाली, और धीरे धीरे परिवार ने भी उसको अपने बहू के तौर पर एक्सेप्ट करना शुरू कर लिया था और इसी कारण से इन सभी लोगों ने मृतका को अपने परिवार से या अपने बीच से हटाने के लिए अभियुक्ता जो अलका है, उसके भतीजे, भांजे और उसके एक साथी बुलंदशहर के, इन अपराधियों को 55,000 रुपए की सुपारी दी थी। इस घटना की प्लानिंग के लिए सभी अभियुक्त 3 दिन पहले दिल्ली रोड पर एक होटल में मिले और उसके बाद 20/21 तारीख की रात को घर पर आकर, जहां मृतका के सास ससुर मौजूद थे, उन्होंने दरवाजा खोला, अभियुक्त लोग अंदर घुसकर और मृतका का गला दबाकर हत्या कर दी। ये बहुत ही चैलेंजिंग, चुनौतीपूर्ण घटना थी। सफलतापूर्वक अनावरण करने के लिए पूरी टीम को हमारी तरफ से वही खुलासा करने वाली टीम को एसएसपी द्वारा सम्मानित करने का काम भी किया गया है।